वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टूडे इज ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्राइडे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पी डी एफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉग इन कर सकते हैं इसके अलावा फाइनेस और इकोनमी रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पी डी एफ अपलोड होती है इसके अलावा आपको बिजनेस स्टैंडर्ड मिट्ट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाएगी इसके अलावा ट्विटर रिसर्च गेट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रिकमेंडेड स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। पॉइंट टू फाइव एक्स ऑफ द डे इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू डू द कॉमन थिंग अनकॉमनली वेल और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली छः इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली ग्यारह इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम नौ न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर एट पर दिया हुआ है बैंक्स टू फ्लैग बिग रूपी टू के डिपॉजिट्स टू आईटी डिपार्टमेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट का विड्रॉल कर लिया है और फेज वाइज मैनर में ये विद्रॉल हो रहा है कमर्शियल बैंक्स में जाकर के इंडिविजुअल अपने 2000 के नोट को सबमिट कर सकते हैं जमा कर सकते हैं डिपॉजिट कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं तो इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट की लाइन में जो बैंक है अब वो जो बड़े बड़े डिपोजिट्स हो रहे हैं लार्ज कैश डिपॉजिट्स होंगे जो दो की करेंसी के उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई करेंगे तो जो थ्रेश पर डे के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है पर इंडिविजुअल अगर उस थ्रेश से ऊपर कोई भी इंडिविजुअल 2000 के नोट की करेंसी डिपॉजिट करता है तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एस में मैंडेटरी उस डिपॉजिट को डिस्क्लोज़ करेंगे टैक्स अथॉरिटीज़ को एनुअली तो जो बैंक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एनुअली सबमिट करते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ को उसमें ये जो बिग डिपॉजिट्स हैं द बिग डिपॉजिट द डिपॉजिट दैट आर अब दैन देश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन सारे ट्रांजेक्शंस को कमर्शियल बैंक जो हैं वो टैक्स अथॉरिटीज को डिसक्लोज करेंगे हालांकि जो डिनोमिनेशन है करेंसी का कितने नंबर के नोट जो है वो सबमिट हुए इसका कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर नहीं है बट द अमाउंट द वैल्युएशन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर इन एस एफ टी एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर तो नंबर स्पेसिफाइड नहीं करना है लेकिन अगर बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है बड़ा डिपॉजिट हो रहा है जो कि थ्रेशोल लिमिट से ज्यादा है तो टैक्स अथॉरिटीज़ को वो डिपॉजिट जो है वो डिसक्लोज किया जाएगा और इसके बाद जो बड़े कैश डिपॉजिट इन पर्सन हैं इंडिविजुअल्स हैं डेफिनेटली है, वो टैक्स ऑफिशियल्स के रटार पर आ जाएंगे जो कंटिन्यूसली टैक्स इविजन को डिटेक्ट करने के लिए कई सारे मेजर्स ले रहे हैं और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि टैक्स ऑफिशियल्स रिसेंटली जो टैक्स इवेजन प्रैक्टिस को डिटेक्ट करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कई तरह के मेजर्स टैक्स अथॉरिटीज ने टैक्स ऑफिशियल्स ने लिए हैं तो वो इस पर्टिकुलर जो डिमोनिटाइजेशन एक्सरसाइज है इसको भी टैप अप करेंगे इन ऑर्डर टू कैश द और डिटेक्ट द टैक्स इवेजन बाई सर्टन इंडिविजुअल्स और लीगल एंटिटीज अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड लिमिट कितने ऊपर के डिपॉजिट्स को जो बैंक्स हैं वो टैक्स अथॉरिटीज को डिस्क्लोज करेंगे एनुअली तो दस लाख फॉर अ टर्म एंड सेविंग डिपॉजिट फिफ्टी लाख फॉर करंट अकाउंट दो जो टर्म डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनके लिए दस लाख की लिमिट है और जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं यानी जो जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स होते हैं करंट अकाउंट्स उनके लिए पचास लाख की थ्रेशोल लिमिट है इसके ऊपर के जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको एस के थ्रू जो कमर्शियल बैंक है वो टैक्स अथॉरिटीज डिस्क्लोज किया जाएगा हालांकि इसको लेकर के ऑफिशियल्स का और आर का ये कहना है कि ऐसा कोई नया रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है इससे पहले भी ये जो सिस्टम था ये एग्जिस्टेंस में था और कई टाइम से ये एग्जिस्टेंस में चला रहा है इट इज नॉट एनी न्यू प्रोविजन

24/7 उट रू बी फाइव 500 नोट तो इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए ऐसा ना हो कि दो हजार रुपए की करेंसी के विड्रॉल के बाद से लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिले तो आर ने पहले भी बोला था कि दो के नोट का जब विड्रॉल होगा तो उसी में फेज़ वाइज मैनर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोअर डिनोमिनेशन के जो करेंसी हैं लोअर डिनोमिनेशन मीन्स जो पाँच रुपए के नोट हैं जो दो रुपए के नोट हैं जो सौ रुपए के नोट हैं उन करेंसी के नोट का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ करेगी और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि वो 24/7 काम करें राउंड द क्लॉक काम करे इन ऑर्डर टू प्रिंट मोर एंड मोर फाइव हंड्रेड नोट्स और फाइव हंड्रेड नोट्स करेंसी टू रिप्लेस द टू थाउजेंड नोट्स तो 2000 के नोट अप्रॉक्सिमेटली 3.62 ट्रिलियन के वैल्यूएशन के थे यानी जो 2000 के नोट विदड्रॉ किए हैं तो आरबीआई के अकॉर्डिंग करेंसी में उनका सर्कुलेशन 3.62 ट्रिलियन का था तो इतने ही वर्थ के 500 के नोट और लोअर डिनोमिनेशन के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मार्केट में पंप करेगा और इसके लिए प्रिंटिंग के जरूरत तो है तो नए नोट्स की जरूरत है दैट इज वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर वर्किंग राउंड द क्लॉक विद दिस फोर करेंसी प्रिंटिंग प्रोसेस और अगर इस समय हम विड्रॉल की प्रोसेस को देखें तो जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं दे आर नॉट डिपॉजिटिंग द मनी क्योंकि आरबी ने दोनों ही ऑप्शन दिए या तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग और करंट अकाउंट में या आप एक्सचेंज ले सकते हैं तो अगर हम देखें ट्रेंड ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग दे करेंसीज दे आर नॉट डिपॉजिटिंग और अगर एक्सचेंज हो तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी और ज्यादा अमाउंट में पांच के नोट या दो के नोट या सौ के नोट की जरूरत होगी दैट इज वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वर्किंग ट्वेंटी फोर

आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री ऑफ मिंट पेपर ब्रोकर्स ब्रोकर ऑन एफ एन ओ ट्रेडिंग रिस्क तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं उन पर लगाम लगाने के लिए और जो इन एक्सपीरियंस्ड रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है जिनको स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह उन तरह के कस्टमर्स को छोटे कस्टमर्स को छोटे हाउस को एक्सप्लॉयटेशन से और किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्टिव इशूज किए हैं इशू किए हैं स्टॉक ब्रोकरस के लिए और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं अब उनको इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा अबाउट द डिफरेंट रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर ऑप्शंस तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के, के समय जो रिस्क होते हैं तो जितने भी रिस्क एसोसिएटेड हैं डेरिवेटिव से और ट्रांजेक्शन से वो सब उन्हें कस्टमर्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे हर बार अपनी वेबसाइट्स पर तो एवरी टाइम दे प्लेस द डेरिवेटिव ऑर्डर्स नाउ द ब्रोकर्स हैव टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स तो कैसे इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया दैट नाइन आउट ऑफ टेन इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी एफ एन ओ इनकर्ड लॉसेज ऑन एन एवरेज दे हैड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू रुपी फिफ्टी थाउजेंड दे ऑल्सो स्पेंड ट्वेंटी एट परसेंट मोर ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेज एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड द रेयर इंस्टांसिज वैन दे हैव मेड नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स दे इनकर्ड फिफ्टीन टू फिफ्टी परसेंट ऑफ सच प्रॉफिट एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्रॉफिट लॉस को लेकर के जो प्रॉबेबिलिटीज हैं वो सारे डिस्क्लोजर्स आप ब्रोकर्स को अपनी वेबसाइट्स पर करने पड़ेंगे और इन कस्टमर्स को और इन एक्सपीरियंस रिटेल इन्वेस्टर्स को जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको हर बार किसी भी डेरिवेटिव का ट्रांजैक्शन या ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये सारे रिस्क से उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो ब्रोक ब्रोकरस हैं उनकी वेबसाइट पर इस तरह की स्कीम्स जो हैं पॉपअप होती हैं कि आप जल्दी रिच बन जाएंगे आपका पैसा इतने दिनों में डबल हो जाएगा तो इस सब के, फ्रॉडलेंट स्कीम और प्रोमिस की वजह से कई सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सब्सटैंशल लॉस जो है वो फेस किया है और इसी की वजह से सिक्योरिटी ऑन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अब इंटरवीन किया है इंटू दिस पर्टिकुलर डेरेविटिव ट्रांजेक्शन मार्केट अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर दट इज गिवेन ऑन पेज नंबर वन ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड इन्वेस्टर्स फ्रॉम ट्वेंटी वन नेशंस गेट एंजल टैक्स एक्जेंशन वॉट इज एंजल टैक्स आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस एंजल टैक्स के बारे में अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा अब आज की न्यूज़ क्या है आज की न्यूज़ थोड़ा सा एंजल टैक्स का एक्सटेंशन है रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कुछ स्पेसिफाइड जरोडिक्शन्स की लिस्ट स्पेसिफाइड जिरोडिक्शन मीन कुछ कंट्रीज़ की कुछ टेरिटरीज की लिस्ट अप्रोक्सीमेटली 21 वन नेशंस ट्वेंटी वन कंट्रीज की जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है जिसमें यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया जर्मनी जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट आता है स्पेशली स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टमेंट आता है उन वो अब उस पर्टिकुलर एंजल टैक्स जिसको हम एंजल टैक्स बोलते हैं जिसमें एंजल टैक्स रखा जाता है था पे, उस इन्वेस्टमेंट पर उस न्यू एंजल टैक्स से उनको इम्यूनिटी मिलेगी तो बेसिकली 21 नेशंस की लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने पब्लिश करी है और उन कंट्रीज से आने वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है उन पर अब आगे आने वाले टाइम में एंजल टैक्स नहीं लगेगा और अगर इन कंट्रीज़ की जो 21 वन नेशंस हैं इनकी अगर हम लिस्ट देखें तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे कि मॉरिशस सिंगापुर नीदरलैंड ये सारे कंट्रीज़ इस 21 वन कंट्री की लिस्ट में या नेशंस की लिस्ट में नहीं है जबकि अगर हम देखें तो इन कंट्रीज से इंडिया में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आता है स्टार्टअप्स में सिंगापुर हो आयरलैंड हो नीदरलैंड हो मॉरिशस हो दीज कंट्रीज़ नॉट मेड देयर नेम इन दिस लिस्ट इट मीन्स इन सारे कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट आएगा स्टार्टअप्स में उन पर एंजल टैक्स जो है वो लगाया जाएगा तो so, 21 नेशंस को एग्जेम्ट कर दिया गया है 21 नेशंस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जेप्ट कर दिया गया है इस न्यू एंजल टैक्स से अगर वो इंडिया के किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा था कि उनको भी इस ट्वेंटी की लिस्ट में शामिल किया जाएगा उनका नाम नहीं है अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मॉरिशस सिंगापुर आयरलैंड नीदरलैंड से इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में तो उनको क्यों नहीं दिया गया स्थान या क्यों नहीं दिया गया प्लेस इस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं मैंशन किया गया इस लिस्ट में तो ऐसा मानना है एक्सपर्ट का कि जनरली मॉरिशस सिंगापुर और नीदरलैंड जैसे कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आता है ये राउंड ट्रिप होकर आता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट वेहीकल इन मॉरिशस एंड सिंगापुर आर यूज बाय द ग्लोबल इन्वेस्टर्स to enter India and invest in unlisted space. So basically जो other अद, countries हैं वो Mauritius और Singapore का route use करते हैं India में invest करने के लिए क्योंकि अगर वो directly India में invest करेंगे तो उन पर बहुत सारे restrictions लगे हुए हैं जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से जो डायरेक्ट डर, एफ डी आई आता है स्पेशली स्टार्टअप्स में तो पैंडमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था उन सारे कंट्री से जो एफ डी आई आता था जो बॉर्डरिंग नेशनस है उनको ऑटोमेटिक पहले अप्रूवल था लेकिन पैंडमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने नया नॉर्म्स लाए थे एफडीआई को लेकर के जहां गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि कंट्री से इंडिया से जितने भी बॉर्डर नेशन है वहां से जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत होगी और उसका सीधा रीजन यही था कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लो था इंडिया में उसको थोड़ा सा कब करना क्योंकि चाइना चाइना के जो इन्वेस्ट से वो इंडिया के स्टार्टअप मार्केट को स्टार्टअप इकोसिस्टम को डोमिनेट कर रहे थे और इसीलिए वो नॉम जो एफ का नॉम था पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आया था तो इसके बाद देखा गया कि जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू राउंड ट्रिपिंग करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मीन्स मॉरिशियस सिंगापुर और अदर कंट्रीज के थ्रू अदर कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट व्हीकल यूज करके वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए रिपब्लिक गवर्नमेंट ने इन सारे जो कंट्रीज है सिंगापुर मॉरिशस नीदरलैंड आयलैंड इनको इस पर्टिकुलर ट्वेंटी नेशन की लिस्ट से हटा दिया है या इनको इस ट्वेंटी वन नेशन की लिस्ट में नहीं रखा है एंड एक्सपर्ट आर ऑफ व्यू दैट इट इज नॉट

जर्मनी जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं तो जो मेजर रिलीफ मिला है वो कैटेगरी वन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पेंशन फंड्स ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं कुछ कैटेगरीज के जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग द लिमिटेड रिलीफ थ्रू दिस न्यू टैक्सेशन और एंजल टैक्स सिस्टम तो so, अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो राउंड ट्रिपिंग करते हैं जो अदर स्पेशल पर्पज व्हीकिल यूज़ करते हैं अदर कंट्रीज को यूज़ करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नाउ दे नीड टू री लुक देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और उनको ये अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रॉब्बली उन्हें चेंज करनी पड़ेगी कि वो एसपी के थ्रू इन्वेस्ट करें इंडिया में या डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करें इन ऑर्डर टू अवेल दिस एंजल टैक्स एग्जम्शन सो लेट एस क्या इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट एक्चुअली इंडिया में पड़ेगा दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस न्यूज़ एग्जेम्प्ट एंड नॉन एग्जेप्टड तो जो एक्जेप्टड है वो सोवरेन वेल्थ फंड हैं पेंशन फंड है कैटेगरी वन एफ पी आईज हैं इन्वेस्टमेंट रूटेड थ्रू ट्वेंटी वन नेशंस इंक्लूडिंग यू एस यू जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया नॉन एग्जेप्ट स्टार्टअप्स नॉट रजिस्टर्ड विद डी पी आई आई टी फॉरन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज लाइक मॉरिशस सिंगापुर लग्जम्बर्ग नीदरलैंड आईलैंड इन सब इन सब पर जो इन्वेस्टमेंट होगा जिन इन सब एरिया में जो इन्वेस्टमेंट आएगा उस पर एंजल टैक्स जो है वो लगाया जाएगा Now let's see article number five that is also given on page number four of business standard. Don't see another U.S. Fed rate hike soon. See ya. तो सी आई आई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो एनुअल सेशन चल रहा है न्यू डेली में उसमें वी अनंता नागेश्वर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने भी अपने ओपिनियन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट किया उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में अपने प्रोजेक्शंस को डिस्कस किया और उनके अकॉर्डिंग जो यू है उसका जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व वो फ़िलहाल के लिए अब आगे आने वाले टाइम में फर्दर लिक्विडिटी टाइटनिंग पर नहीं जाएगा इट मीन्स जो यू फेडरल रिजर्व जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पिछले कुछ टाइम से कंटिनुअसली रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा था मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जा रहा था जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट्स पर पहुंच गई थी आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो उसको कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रहा था इन ऑर्डर टू फर्दर टाइटन द लिक्विडिटी सो दैट द इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल तो उसी पर्टिकुलर आस्पेक्ट को लेकर के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका यह है कहना है कि अब आगे आने वाले टाइम में उतना एग्रेसिवली यू फेडरल रिजर्व जो है वो पॉलिसी टाइटनिंग या लिक्विडिटी टाइटनिंग नहीं करेगा कि जितना एग्रेसिवली पहले कर रहा था क्योंकि अब जो है वो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो रही है वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में तो यूएस फेडरल में हम हमें अब इतना लिक्विडिटी टाइटनिंग देखने को नहीं मिलेगा और जो जिसकी वजह से इंडिया का जो एफ है एफ और जो करेंसी डिवेलुएशन हो रहा था डिप्रीशिएशन हो रहा था वो भी अब थोड़ा सा स्टेबल रहेगा और जो डेट सीलिंग को लेकर के जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द दे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उसको लेकर के भी एग्रीमेंट बन गया है तो डेट सीलिंग जो है वो एक्सपेंड कर दी गई है अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव पॉइंट वन ट्रिलियन डेट सीलिंग जो है वो इंक्रीज कर दी गई है तो जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा जो मेजर डिसीजंस हैं वो यूएस फेडरल रिजर्व में देखने को नहीं मिलेंगे अभी रिसेंटली जो रेटिंग एजेंसी है फिच उसने कंट्री को ट्रिपल ए रेटेड सोवरेन डेट और निगेटिव वॉच की कैटेगरी में रखा है तो प्रॉबली अभी कोई मेजर चेंजेस यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो नहीं करेगा ऐसा मानना है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि यू एस ऐसा कुछ करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडिया की इंडियन इकोनॉमी और अदर इमर्जिंग मार्केट पर पड़ता है दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच हाउ यू एस फेडरल रिजर्व इज एक्चुअली अप्रोचिंग और टेकिंग देयर स्टैंड अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर सिक्स नंबर इलेवन ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड्लू टी ओ डिस्प्यूट ओवर आई सी टी टैरिफ इंडिया अपील इन टू द वर्ल्ड तो रिसेंटली आई सी टी टैरिफ को लेकर के इंडिया के अगेंस्ट वर्ड दिया था डब्लू टी ओ ने उसको लेकर के इंडिया को थर्स ने दोबारा से अपील करी है अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एट डब्ल्यू टी ओ जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स पर जो टैरिफ लगाता है इंटर जो इम्पोर्ट टैरिफ लगाता है उसको हटाने का वर्डिट दिया था डब्ल्यू ने और कौन से कंट्रीज जापान और यू जैसे कंट्रीज़ जो थे वो इस केस को डब्ल्यू फोरम में ले गए थे तो, तो उसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के वर्डिट को इंडिया ने चैलेंज किया है डब्ल्यू में दोबारा से तो जब जो डब्ल्यू की एपलेट बॉडी है दैट इज़ द हाइस्ट एजुटिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ डब्ल्यू जो कि अभी फिलहाल के लिए डिसफंक्शनल है क्यों डिसफंक्शनल है क्योंकि यूएस ने जो जजेस का अपॉइंटमेंट है इस एपलेट बॉडी में उसको ब्लॉक करके रखा है अप्रॉक्सीमेटली तीन जो जजेस हैं उनका अपॉइंट वो रहते हैं एक टाइम में और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं डब्ल्यू के फोरम में वो जजेस का अपॉइंटमेंट क्लियर करते हैं और यूएस ने इंटेंशनली जजेस का अपॉइंटमेंट ब्लॉक करके रखा है तो जो हाइस्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी है डब्ल्यू की वो फिलहाल के लिए डिसफंक्शनल है सो नाउ दिस पर्टिकुलर अपील विल बी कंसिडर्ड एज अपील इन द वर्ल्ड सो लेट अस सी फिलहाल के लिए जो इंडिया ने अपील कर दी उसका क्या होता है इंडिया का जो कहना है कि कि जो पैनल ने जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है इसने कुछ प्रोविजंस को लीगल इंटरप्रिटेशन को सही तरीके से नहीं किया है और जिसकी वजह से इंडिया जो है वो डिस एग्री करती है पैनल के वर्डिक्ट से और इंडिया ने क्लियरली मेंशन किया है उस नोटिस में द नोटिस ऑफ अपील प्रोवाइड एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ़ द पैराग्राफ्स ऑफ द पैनल रिपोर्ट्स कंटेनिंग द एलिज एरर ऑफ लॉ एंड लीगल इंटरप्रिटेशन बाय द पैनल इन इट्स रिपोर्ट विदाउट प्रोजिडिस टू इंडिया एबिलिटी टू रिलाई ऑन द अदर पैराग्राफ ऑफ द पैनल रिपोर्ट्स इन इट्स अपील इंडिया ने क्लियरली मैंशन किया कि पैनल ने जो रिपोर्ट दी है पैनल ने जो इंटरप्रिटेशन दी है वो कैसे हैं और इंडिया का जो स्टैंड है आई टैरिफ को लेकर के वो क्या है तो सत्रह अप्रैल को जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसने तीन डिफरेंट केसेस में किसने किसने फाइल किए थे एक केस यूरोपियन यूनियन ने फाइल किया था एक चाइनीज़ कंपनी ने और जापान ने 2019 में इंडिया के अगेंस्ट ये केस फाइल किया था जहां पर इंडिया पर एलिगेशन लगाया गया था कि इंडिया ने जीरो टेरफ जो पॉलिसी है जीरो टेरिफ कमिटमेंट है डब्ल्यू का उसको वॉलेट किया है इन केस ऑफ आई टी ए दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट डब्ल्यू टी ने किया है उसमें जीरो टेरिफ जो कमिटमेंट है इंडिया ने उस कमिटमेंट को वॉलेट किया है इसीलिए तीनों ही बॉडीज ने इंडिया के अगेंस्ट डब्ल्यू क्या है आईसीटी टैरिफ इंडिया ने 2019 में ये टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो मोबाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे लगाई थी और इंडिया का रीजन ये था कि इंडिया में जो मोबाइल इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की इंडस्ट्री है उसको अननेसेसरी एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से सेव करना था जो भी इंपोर्ट हो रहा था मोबाइल का और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स का उस पर एक, एक एक्स्ट्रा इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया ने इम्पोज कर दी थी जस्ट टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक उसी को लेकर के ये तीनों जो थी, ये हो गई थी जहां रिसेंटली सत्रह अप्रैल को इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड बॉडी में अपील किया है, it, वो अभी है। क्यों डिस्फंक्शनल है क्योंकि क्यों क्यों जो जजेस का कोरम है वो पूरा नहीं है जो जजेस पहले थे वो रिटायर हो चुके हैं आप देख लेते हैं

और किसको को किया गया जे पी मुर्गन चेस बैंक को मे 23 में ये जो शेयर्स हैं उनको प्लश कर दिया गया है द कंपनी हैज़ बिन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्लेजेस ऑफ इट्स शेयर इन एच जेड एल ओवर द पास्ट वन ईयर और जो लेटेस्ट प्लेज है वो 3.3 पॉइंट का जो टोटल इक्विटी है वो प्लश कर दिया है तो अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी फोर जो स्टेक है उसका वो टोटल प्लस करेगी और कितना लोन ले रही है अप्रोक्सीमेटली डॉलर एट फाइव मिलियन का लोन जेपी मॉर्गन से लिया है कंपनी ने और डेफिनेटली वो जो फंड है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जेपी मॉर्गन से लिया इसके अलावा अगर हम देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देवशे बैंक बागलेस इन सब से आ, कुछ कुछ अमाउंट का जो स्टेक है एस जेड एल का वो प्लस करके कंपनी ने ह्यूज अमाउंट का लोन उठाया है अब देख लेते हैं नेक्स्ट ओला इलेक्ट्रिक प्लांट्स मार्केट डिब्यूज बाई नियरली ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑन फायर अप ग्रोथ तो अभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक ने अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन डॉलर की फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी थी तो इस फ्रेश फंडिंग के बाद जो कि सोवरन फंड से फंड रेज किया था ओला इलेक्ट्रिक ने जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है अब ये फिलहाल के लिए कई सारे फाइनेंशियल और लीगल इंस्टीट्यूशन से नेगोशिएशन के स्टेज में तो लोग ओला इलेक्ट्रिक फाइनेंशियल और लीगल इंस्टीट्यूशन से नेगोशिएट कर रही हैं डिस्कशन कर रहे, है, कर रहे है। किस लिए डिस्कशन कर रही है फॉर मच अवेटेड आई पी ओ सिलेटेड टू बी इन अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो दो हजार चौबीस में ओला इलेक्ट्रिक अपना आई पी ओ लाना चाह रही मार्केट डिब्यूट करना चाह रही है और इसके लिए कई सारे जो लीगल है, है, एडवाइजर्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे डिस्कशन चल रहा है तो हो सकता है कि सेबी में बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर जो ओला इलेक्ट्रिक है वो ड्राफ्ट रेड हेरिंग ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट फाइल करें और जो भी फंड रेजिंग एक्सरसाइज होगी उससे कंपनी अपना जो टू व्हीलर कैपेसिटी है एंड सेटिंग अप फाइव गेगा बैटरी सेल फैक्ट्री है उसको एक्सपेंड करेगी और इसके अलावा कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च द चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तो कई सारे प्रोडक्ट लाइन में एक्सपेंशन करने के लिए कैपेसिटी में इन्हेंसमेंट करने के लिए जो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक है वो अपने स्टेक को भी सेल कर रही है और आगे आने वाले टाइम में आई के लिए भी जा सकती है जस्ट टू फायर अप द्रोथ अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप आई आई टू क्रिएट स्टेट इंश्योरेंस

प्लान सिमिलर टू एस एल बी सी एस पर दर डी आई चेयरमैन देवाशीष पांडा और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की इक्वल पार्टनरशिप होगी तो डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल एंड प्रोटेक्शन गैप इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट नाउ आई आर डी आई इज प्रपोजिंग द स्टेट लेवल बैंकर कमेटी और इसके थ्रू जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो अपना टारगेट अचीव करेगी जो कि उसने 2047 के लिए रखा क्या टारगेट रखा है आई ने 2047 के लिए इंश्योरेंस फॉर ऑल जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंडिया में अगर हम इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन देखें तो बहुत कम है बहुत कम जो नंबर्स हैं जो सिटीजन्स हैं हाउस होल्ड्स है बहुत कम नंबर्स में जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं ऑप्ट कर रखें मेजोटी ऑफ द पॉपुलेशन आर अन इंश्योर फ्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क तो इसीलिए ट्वेंटी में एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है पेनिट्रेशन को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए इंक्रीज करने के लिए आई ने कि दो 40 तक इंडिया में लगभग हर इंडिविजुअल इंश्योर होगा और उसी को अचीव करने के लिए सी का जो एनुअल समिट हो रहा है उसमें जो मिस्टर पांडा है उन्होंने बोला है कि वो स्टेट लेवल बैंकर कमेटी जो है वो सेटअप करने की बात कर रहे हैं जिसमें जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उनका इक्वल शेयर होगा और इसके थ्रू जो एस SL, एल के थ्रू जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है आर आई ये कोशिश करेगा कि ट्वेंटी तक अप्रॉक्सिमेटली हर इंडिविजुअल जो है इंडिया में वो इंश्योर हो तो गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशंस के लिए बैंक कोऑर्डिनेशंस के लिए ये स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी जो है वो प्रपोज करी जा रही है वो क्रिएट करी जा रही है हालांकि कमेटी कैसे काम करेगी इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इफ इट इज गेट क्रिएटेड सो दैट इज ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव नाइन स्टेट